ठीक है, आज अपन मूविंग एवरेज के बारे में ऊपर अपन एक मास्टर क्लास कर लेते हैं। फ्री 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 भैया, सब कुछ फ्री, नो नथिंग पेड। ये इंपॉर्टेंट फ्रेम है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जब आप ये करोगे ना तब बनता असली माहौल। मल्टीपल कंफर्म, मल्टीपल। सर लास्ट टाइम हम मिले थे तो ये वीडियो डाला था हमने, रिमेम्बर, इंट्राडे के ऊपर। आपने इस वीडियो में बोला था कि 15,000 लाइक आए, अभी ये ऑडियंस का प्यार देखो, यहाँ पर 24,000 है, बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न, उनको सीखना है। करेक्ट। अब ये पूरा हो गया, बिल्कुल, आपने जो मांगा उससे ऑलमोस्ट 50% ज्यादा रिटर्न मिला आपको। करेक्ट। क्वेश्चन ये है, अब क्या सिखाने वाले हो? ओके, सो विभूर, सबसे पहले थैंक यू टू योर ऑडियंस जो इतना लर्निंग करना चाहती है, आपकी बहुत लॉयल ऑडियंस है। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग का अपन मास्टर क्लास तो करेंगे, ठीक है, उसको तबियत से बड़ा सा एक बुरा सेशन बनाएंगे, लेकिन फिर जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं, फ्री कोर्स, फ्री 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 भैया, सब कुछ फ्री, नो नथिंग पेड। पर उससे पहले हमें कुछ बेस क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, और बेस क्लियर करने के लिए हमको इंडिकेटर समझने पड़ेंगे कुछ, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ बता रहे थे, आपने कुछ वीडियो बनाया था, कुछ ऐसा कुछ किया था कुछ टाइम पहले, आप बताइए। हाँ, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या था, लोगों को एग्जिट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि बाय तो कर लिया, कोई उड़ता हुआ तीर ले लिया, भाग रहा, कोई स्टॉक ब्रेकआउट देख लिया, वॉल्यूम गेनर्स, ठीक है, बाय कर लेते हैं, पर एग्जिट का रूट का प्रॉब्लम आता है। ओ, मान लो 100 रुपए का लिया, 150 हो गया, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं यार 150 का 130 आया, 130 का और 120 आया, फिर वो 120 पे एग्जिट करते हैं तो 50 से 130 का लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस आई शुड से। तो मैंने एक वीडियो बनाया था 5 ways टू एग्जिट अ स्टॉक, जिसमें हमने थोड़ा दिखा दीजिए, मैंने ये रहा, ये वीडियो बनाया था 5 ways टू एग्जिट अ स्टॉक, जिसमें मैंने मूविंग एवरेज, VWAP, वो तो आपकी स्पेशलिटी है, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन हो गया, जो मैं ब्रेकआउट्स वगैरह पे हूं, तो ये बनाया था मैंने। ओके, तो काम करते हैं, एक एक करके अपन पिकअप करते हैं, ठीक है। आज अपन मूविंग एवरेज के बारे में, मतलब बिल्कुल एक बिगिनर भी हो, इंटरमीडिएट भी, जिसको कुछ नहीं पता है कि भाई क्या है कैसा है, उसके ऊपर अपन एक मास्टर क्लास कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऑडियंस को एक बार टास्क दे देते हैं कुछ, ताकि माहौल बना रहे, ठीक है। तो कमेंट्स में अगर ये लोग, इनके जो भी फेवरेट इंडिकेटर है, वो बॉलिंजर हो सकता है, वो VWAP हो सकता है, वो सुपर ट्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कमेंट में नाम लिख दें, ताकि हमको पता लगे कि सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है, ठीक है। और दूसरी, अगर 20,000 लाइक मांग ले, क्योंकि 24 तो हो गया नहीं, हमने पिछली बार कितने इस पे हमने 15 मांगे थे, 20 तो आई गेस 15 ही रखते हैं, ठीक है, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना, कंसिस्टेंसी रखते हैं, ठीक है। तो 15,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे भी आ गए, तो हम एक ही वीडियो पे सारे इंडिकेटर्स कर लेंगे, बहुत एक वीडियो में। मैं रेडी हूँ, ये लोग रेडी है तो पता नहीं, कमेंट्स में बता देंगे, मैं 2.5-3 घंटे का भी पूरा सेशन, 3 घंटे के एक मास्टर क्लास फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे भी लास्ट टाइम की तरह 15,000 लाइक आते हैं, एक ही वीडियो जो 2.5-3 घंटे का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेड, और हम उसमें सारे इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, सब जितने कमेंट्स में लिख देंगे, सारे कर, सब जो कमेंट्स में लिख देंगे, ठीक है, वो सारे इंडिकेटर्स भी कमेंट कर सकते हो, वीडियो लाइक कर लेना। तो आज की स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास, आज हम क्या सीखने वाले हैं, फिर पूरे मूविंग एवरेज को एकदम बेसिक से लेके हम पूरा जितना समझना चाहिए उतना पूरा समझा देते हैं, ठीक है, एंड टू एंड मूविंग एवरेज बेसिकली ना, इसके बाद आपको मूविंग एवरेज रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत, ठीक है, डन, प्रैक्टिकल समझते हैं, बिल्कुल। अपन जाएंगे पेंट पे, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल हैंडीकैप्ड है तो आप बता दीजिएगा, ये हमने सही पिक कर लिया, तो अब हम इधर स्क्रीन पे थोड़े बहुत समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज ना विभोर, हम समझने की कोशिश करते हैं, ये मूविंग एवरेज जिसको MA भी बोलते हैं, ठीक है, ये मूविंग एवरेज होता क्या है? तो देखो यार, आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी, नाम पे ही लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एवरेज, एवरेज, एवरेज हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि जैसे मान लो एक 10 है, एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है, ये रोज की इनकम है मान लीजिए, राइट। अगर मेरे को निकालने की एवरेज इनकम क्या होगी, तो मैं इन सब को ऐड कर दूंगा, डिवाइड क्या करूंगा, 4, जितने भी नंबर्स हैं जो भी है जैसा भी है, तो ये होता है एवरेज हो गया। तो मूविंग एवरेज प्राइस के एवरेज के बेसिस पे एक निकलता है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आज किसी स्टॉक का प्राइस था 100, ठीक है, कल वो थोड़ा सा गिर गया, वो हो गया 90, ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कुछ न्यूज आ गई, उसके बाद ऊपर चले गए 120, ओके, फिर उसके बाद 110, इस तरह से। तो ये क्या होगा, इन सब को ऐड करके, बिकॉज 4 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है ड्यूरेशन, तो ये 140 हो सकता है, फिर उसके बाद 70, एन नंबर, ठीक है। तो ये जितने होते हैं डिवाइडेड बाय, जैसे इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, हाँ, तो हम डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये जो प्राइस आएगा वो एक मूविंग एवरेज निकलता है। ये हुआ थ्योरी, थ्योरी, थ्योरी। लेकिन अब इसमें एक दिमाग में सवाल उठता है कि यार बॉस, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये चार्ट पे कैसे होगा? तो चार्ट पे आप इस चीज को पहले, इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कैंडल, ये एक बुलिश बना, फिर एक बुलिश बना, दो जी बन गया, दो, हाँ, फिर एक ये बन गया,
फिर और एक ये बन गया, क्योंकि डोजी तो साथ में एक और डोजी ले ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेरिश कैंडल बन गया ऐसा करके, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक बुलिश बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इन सारों का एवरेज प्राइस का हम निकाल रहे हैं, हाँ। तो वो एक लाइन जाएगी जो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे 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 करके ये जाती रहेगी, ठीक है। दैट इज द मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है। मतलब इन सारे करंट जो प्राइसेस आजकल में हुए हैं, आजकल में जो हुए हैं इस स्टेज पे, ठीक है। तो वो हो गया। अब इसको ना एक थोड़ा अपन देख लेते हैं, लेट्स से एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया, अभी आप सबको दिख रहा होगा ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। अब वीकली चार्ट है, वीकली है। हम इसको ना डेली कर देते हैं अभी समझाने के लिए। तो हम ये गए और डेली हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अभी पूरा हमको डेली दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज है, हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इंडिकेटर्स पे, और इंडिकेटर्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर मूविंग एवरेज हम लिखेंगे। हम लिख सकते हैं इस पे, आपने बनाया हो तो बताइए। एम 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 सिंपल सिंपल पे जाएंगे अभी, ठीक। मूविंग एवरेज सिंपल पे गए, बेसिक मूविंग एवरेज लगाया एकदम बेसिक, ठीक है। क्लोज कर दीजिए, ये आपको दिख रहा है डबल लग गया, ये मैंने डबल लगा दिया है। तो इसको हम एक को हटा देंगे। अब इसकी सेटिंग्स में जा रहे हैं, बिकॉज लोगों को ताकि हम दिखा सके इसका मतलब क्या होता है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। हम आएंगे एंड में, दो तरीके के कॉमन होते हैं, वैसे बहुत सारे निकले अभी। सबसे ज्यादा तीन कॉमन मूविंग एवरेजेस होते हैं, एक सिंपल, सिंपल एक एक्सपोनेंशियल और एक वेटेड मूविंग एवरेज, ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल और एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे आप देखोगे, आप ब्रोकर के पास जाओगे तो ट्रायंगुलर, मेजर डिफरेंस तीनों में माइनर है, हल्का का है जो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है विभूर, बहुत सारे लोग क्या होते हैं मूविंग एवरेज सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये, जैसे अगर मान लो किसी ने सिंपल मूविंग एवरेज सीखा, तो वो सोचता है इंट्राडे पे भी मैं ये लगा दूंगा, पोजिशनल पे भी लगा दूंगा, स्विंग पे भी लगा दूंगा, और एक्सपोनेंशियल में भी सेम सोचते हैं, ठीक है। वो आज वीडियो के एंड में हम समझेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा स्लाइड चेंजेस है। तो ये देखो सोर्स मतलब क्या होता है, क्लोज पे लग रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है उस पे ये मूविंग एवरेज लग रहा है, करेक्ट, ठीक है। ये लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 5 जो ये बोल रहा है, लेंथ हमारा 9 है, हां 9, ये जो हमारा ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 9 दिन के जो एवरेज प्राइसेस निकले उसके बेसिस पे वो लाइन कैसे जा रही है। मतलब 9 लास्ट कैंडल्स, 9 लास्ट कैंडल्स डेज, डेज क्योंकि डेज क्यों, क्योंकि हम डेली डेली चार्ट पर है। अगर हम 15 मिनट करते तो 9-15 मिनट के कैंडल, 9-15 मिनट के कैंडल, सेम ड्यूरेशन के हिसाब से ये चीज बता रहा है। तो अगर आप ये देख रहे हो तो अभी एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 दिन के एवरेज के जस्ट नीचे ये हुआ नीचे, और ये बहुत बढ़िया, हमने एक चार्ट खोल लिया, हमने तो पता भी नहीं था। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जो हम थर्ड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, वापस इसी पे आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक बेसिक दिमाग में लगाऊं, अगर मेरे को रिलायंस पे बाय करना भी था तो क्या मुझे करना चाहिए, कॉमन सेंस लगाइए। अभी मैं अगर करेंटली देखूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, क्या मुझे बाय करना चाहिए अभी एज ऑफ नाउ। मैं ये जो मुझे फील हो रहा है जी, लास्ट 3 दिन में जी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, करेक्ट, बट कैंडल रेड थी, करेक्ट, जो मुझे लग रहा है, करेक्ट। फिर दोबारा गया बट कैंडल रेड थी, करेक्ट, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था, बिल्कुल। आज भी 9 मूविंग एवरेज तक गया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, दैट इज द वर्ड। तो एक कॉमन सेंस, हम बाय सेल किसी को करने नहीं बोल रहे, हम बेस क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल सा है कि जब ये इस लेवल से, तो एक सिंपल सा हम लॉजिक लगाते हैं इन एरियाज पे, ये बहुत टेस्ट कर रहा था एक तरीके से, देख रहे हो हम जो प्राइस एक्शन में डिस्कस भी किया था वो वीडियो में हमारे रिमेंबर है ना। तो ये बेस बना रहा था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया जो कि ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक ट्रेंड ऊपर गया। इनफैक्ट आप प्राइस देखोगे तो ये क्या था, ऑलमोस्ट लाइक 50 तो ये सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, ओके। तो मूविंग एवरेज बेसिकली, वापस कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ये क्या बता रहा है, मूविंग एवरेज हमको ये बता रहा है कि बॉस आपने अपनी पूरी गणित लगा ली है, आपने सारी चीजें कर ली हैं, आप सिंपल सा समझो कि ये एवरेज है, एवरेज के नीचे इज नॉट अ गुड साइन, एवरेज के ऊपर इज अ बेटर साइन, इज अ गुड साइन। मतलब एक एक वैसे अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, जब क्लास में 20 बच्चे पढ़ते थे, करेक्ट, तो किसी का है 100 में से 90, किसी का है 40, किसी का है 60-70, तो मैं ऐसे कंपैरिजन करके बताता था घर पे कि हाँ क्लास में एवरेज अच्छे मार्क्स आए हैं, करेक्ट, तो थोड़ी कम डांट पड़ती थी, एग्जैक्टली और कई बार मान लो मार्क्स कम आए तो हाँ सबके बेकार आए हैं, एवरेज से नीचे ही है, बस, बस, बस।
वो प्लेसमेंट्स का देख लो ना, कॉलेज प्लेसमेंट्स वाले क्या बोलते हैं, एवरेज प्लेसमेंट 3 लाख का है। हाँ। तो हर स्टूडेंट एस्पायर करता है यार, किसी का 15 भी लगा है, हाँ। किसी का 5 भी लगा है, किसी का 1 भी लगा है। वो बोलेगा यार 3 के तो ऊपर लगा दू, थोड़ी इज्जत रहेगी। हाँ। है ना, सही तो है। वो हो गया, तो ये हमने पहले समझ लिया ये मूविंग एवरेज का क्या है। ठीक है, अब हम ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज टाइप्स देखो, 3 ब्रॉडर टाइप्स, मतलब बेसिकली किस ड्यूरेशन पे हम देख रहे हैं इस चीज पे। अभी हम ईएमए वाले पे नहीं आए, अभी नहीं। ओके, गुड थिंग्स आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और वो आपको बहुत जल्दी लेना है, तो आप यूजुअली उस समय पे अपने जिंदगी के जो एवरेजेस निकालोगे डिसीजन के, वो आप इस हिसाब से देखोगे कि मैंने 15 साल तक कौन सा डिसीजन लिया, क्योंकि तब आप एज भी कम होगी, बड़े हो वो लोगे, या अगर शॉर्ट टर्म के डिसीजन लेने तो आप अपने लास्ट 3 साल के एवरेज डिसीजन जो लिए उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है वो देखने की कोशिश करो। मैं हो सकता है 3 साल के भी ना देखूं, मैं लास्ट 3 दिन के देखूं कि मेरा मूड क्या चल रहा है। exactly, मैं खुश था 3 दिन से, बिल्कुल। हाँ, मैं जिम जा रहा हूँ डेली। एग्जैक्टली, 10 साल पहले जिम गया था, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, तो जब भी आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने हैं ट्रेडिंग, दैट इज इंट्राडे या स्कैल्पिंग, ठीक है, हम जाएंगे इस पे शॉर्ट टर्म पे, इंट्राडे और स्कैल्पिंग। इंट्राडे और स्कैल्पिंग, और याद रखें हमने इंट्राडे के वर्कशॉप पे जो मास्टर क्लास है राइट, उसमें हमने मूविंग एवरेज की बात करी। फिर आप बोले जैसे कि यार मेरे को कुछ दिन के लिए होल्ड करना है, मतलब यार मतलब मैं होल्ड करूंगा इसको 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, उसमें आप मीडियम टर्म कौन सा मूविंग एवरेज करना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है मीडियम टर्म। और अब आप बोल रहे हो यार मैं हूँ इन्वेस्टर, लेकिन मैं करूंगा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कि कब तक मैं उस स्टॉक में बना रहूं, कब निकल जाऊं। ओके, एज सिंपल एज दैट, समझ गए। हम करेंगे लॉन्ग, मतलब फंडामेंटल देख के बाय तो कर लिया, बट इसकी हेल्प से आप ट्रेल कर सकते हो और बने रह सकते हो। और जो आपने एग्जिट वाली चीज बोली, हाँ, वो चीज, और ये बहुत लोग बोलेंगे कि यार फंडामेंटल में क्या जरूरत है, तो मैं बता दूं एस नरेन जी जो कि आईसीआईसीआई एएमसी के चेयरमैन है, मतलब बड़े वो हैं, फंड इतना पता नहीं 10-20 हज़ार करोड़ का मैनेज करते हैं, उन्होंने एक अपनी मीटिंग में ये चीज कही है पब्लिकली कि मैं फंडामेंटल पे बिलीव करता हूं, लेकिन देयर इज नो हार्म अगर आप बेसिक कुछ टेक्निकल्स लाइक मूविंग एवरेज लगा के सेंटीमेंट देखो। बढ़िया एकदम। अब दिमाग में सवाल ही उठ रहा होगा कि यार इनमें फिर कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें, 2, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, इतने सारे नंबर कौन सा लगाएं, कौन सा करें। तो इसको सिंपल रख लेते हैं, ठीक है, जो भी बिगिनर बिगिन कर रहा है सिर्फ 3 मूविंग एवरेजेस आप ध्यान रखो, एक 20 डे, 20, एक 50, इधर 2 स्लैश लगाऊंगा, एक 100 और 200, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, ओके, तो ये 20 इंट्राडे वालों के लिए, इंट्राडे सिर्फ समझो, जो 15 मिनट के हिसाब से 10 मिनट के हिसाब से ट्रेड, 10 मिनट के फ्रेम पे या 15 मिनट के फ्रेम पे या 5 मिनट के फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये डेली पर भी चलेगा? नहीं, डेली पे चलेगा लेकिन हमको यूज नहीं करना है। ओके, समझ गया, ठीक है। 50 जो बंदा कुछ दिनों के लिए होल्ड कर रहा है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 20 दिन उसके लिए, ठीक है, और ये मतलब महीने भर के लिए इसने एट मैक्स होल्ड किया, और लॉन्ग टर्म तो आप समझ गए 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 15 महीने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेम है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हम 18 क्यों नहीं यूज करें, अब आपने एक का सवाल दिमाग में सवाल होगा, अच्छा स्कैल्पिंग तो बताओ, इंट्राडे तो बता दिया, राइट, तो उसके लिए हमने जस्ट अभी कौन सा यूज किया था रिलायंस में, 9, वो डेली पे किया था, आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते, 9, ठीक है। तो अब इसमें ना बहुत लोग अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत लोग ना स्ट्रगल करते हैं, बेस्ट मूविंग एवरेज बता दो। पहली बात है, बेस्ट हर फ्रेम में कोई एक सिंगल मूविंग एवरेज नहीं हो सकता, क्यों, वो जब हम ईएमएस में डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज है, मूविंग एवरेज के कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। Okay. देखो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं सेशंस लेना, तो वो सारी चीजें अच्छे बताएंगे। राइट। लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव है जो हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, इसलिए वो नहीं है। और तीसरी चीज है, ये आपकी एक जर्नी होती है ट्रेडिंग की, सुपर ट्रेंड किसी के लिए 7-3 भी वर्क करता है, किसी के लिए 10-3 भी वर्क करता है, ठीक है। लाइकवाइज मूविंग एवरेज थोड़ा परम्यूटेशन कॉमन, लेकिन आपके बेस तो क्लियर होना चाहिए। डेफिनेटली, क्यों इंसान को 20 कब यूज करना है, 50। अब अगर मान लो आप विभोर बोलते हो मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप डेली चार्ट्स पे जाके लगा दे रहे हो कि भैया मेरे को 9 दिन का मूविंग एवरेज बता दो, ऐसा नहीं आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, परफेक्ट ट्रेड्स भी मिलेंगे कुछ, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन द लॉन्ग रन विल गो डाउन। डेफिनेटली, मतलब ये तो वो बात हो गई कि रेस हो रही है और उसमें तुम बैलगाड़ी लेकर चले गए। Exactly. घोड़ों की रेस में बैलगाड़ी हो सकता है जीत जाओ आपका बैल दे, बट बहुत देर में, बहुत देर, बहुत देर में। Exactly. इन लॉन्गर रन दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसको भी अपन थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम जाते हैं अपने रिलायंस पे। ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे पहले देखते हैं, और डेली चार्ट पे हम इसको अब चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम इधर गए, अब इसको 200 पे हम ले आते हैं। ठीक है, वहीं से करते हैं, तो ये 200 डे पे हमने कर लिया, हो गया चेंज। हाँ,
हाँ हो गया है, हो गया है, बस अब आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर विभोर एक इन्वेस्टर है, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं, डिस्क्लेमर मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है, तो हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं कि रिलायंस पे, विभोर भी छोड़ो, कोई एक्सवाइजेड एंटिटी ने एंटर किया हुआ, ठीक है, तो अब उस बंदे ने अगर एंटर किया, उसके दिमाग में एक शांति कब रहेगी, जब तक रिलायंस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक उसको सोचने की जरूरत नहीं है एज एन इन्वेस्टर, ओके, क्योंकि विभोर देख रहा है अभी क्या है, विभोर ऊपर है कि नीचे है, अभी तो करेंटली ये यहाँ पर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, ठीक है, तो विभोर एज एन इन्वेस्टर रिलैक्स रहेगा, शॉर्ट टर्म वाले को परेशानी हुई कि भाई ये देखो ये नीचे गिरा, ठीक है, इसको पेन लगा देते हैं एक बार ताकि दिखा दे, ओके कोई इशू नहीं है, तो शॉर्ट टर्म वाले को थोड़ी सी परेशानी हुई कि भैया यार ये तो नीचे गिर गया, इंट्राडे वाले को आज के दिन परेशान हो रही है तो नीचे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन वाले के लिए कोई स्टेबल नहीं है, स्टेबल है, इस पे आप एड ऑन करो, हमेशा याद रखो एक कॉन्फ्लुएंस बनाओ, जैसे हमने अभी जाने अनजाने में हमने एक ये ड्रॉ कर लिया है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, तो कहीं ना कहीं अभी एज ऑफ नाउ उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है मल्टीपल टचेस है, ये वाली चीज है प्लस मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट, तो एक बड़ा इन्वेस्टर जिसने एंटर किया होगा, लेट्स से इस किसी एरिया में इसने एंटर किया है ब्रेकआउट के बाद, हाँ, ब्रेकआउट के बाद उसने एंटर किया, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीटेस्ट के बाद भी उसने उसको होल्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास एक कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि भैया मैं इसको होल्ड कर सकता हूं, ठीक है, और सबसे बड़े ट्रेंड्स भी जो होते हैं ना यार विभोर में, अच्छा, एक सेकंड, हां सॉरी टू इंटरप्ट, श्योर, क्या हम इसको स्टॉक्स के अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, बिल्कुल, चले देख लेते हैं एक बार, अब आप एक चीज देखो, लास्ट आपको भी पता है सोशल मीडिया पे पिछले 4 महीने से सबने बड़ा वाला क्रैश बना दिया है मार्केट, क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, अब किसी बंदे ने अगर सिर्फ इतना ऑब्जर्व किया होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वैसे बाय द वे कॉमन पैरेलल्स देख लीजिए आप, तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा गिरा, ये किस टाइम की बात होगी बताइए, ये क्या मार्च में जब वो फॉल आया था, हाँ ठीक है, थोड़ा वो वाला चल रहा था, उसके बाद ये देखिए ऊपर गया, ठीक है, सपोर्ट लिया, उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं मई से टेक्निकली एक बार भी क्या हमारा निफ्टी कोर इंडेक्स इसके नीचे आया तो बहुत है। नीचे तो छोड़ो पास में भी नहीं आया, पास में बहुत नहीं दूर है, बहुत तो। डिस्टेंस, वैसे इसके भी अपन एक पॉइंट की बात करेंगे, बट ये नहीं आया, ठीक है, ये तो हमने 200 पे देखा, इसको मैंने 100 पे कन्वर्ट कर, तो यार विभोर अब मेरे को एक बात बताओ, हमने अभी 100 डे कर दिया इसको, ठीक है, पहले पर ये बताओ एज एन इन्वेस्टर क्या किसी को बहुत पैनिक करके सब कुछ बेच देना चाहिए अभी, एज अ पैनिक यहाँ पर अगर जी चार्ट पे भी देखा जाए तो ये तो अभी प्रीवियस लो भी नहीं ब्रेक हुआ कहीं से कहीं तक, एग्जैक्टली exactly. अगर यहां से भी अगर एक रफ हैंड ड्राइंग बोल रहा हूँ, रफ हैंड ड्राइंग भी बनाऊ बस चलता जा रहा है, मैं क्यों बेचू, एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ सपोर्ट दे रहा है, हमारा मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है, आपको ट्रेंड लाइन भी नहीं आता मारो गोली, ये जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देते बड़े बड़े मोटे मोटे कैंडल, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन विभोर इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, हम ना वो कोविड वाले एरा पे लेके चले जाओ इसको, ताकि हम लोगों को बताएं कि मार्केट सबको मौका देता है बचने का, संभलने का, निकलने का, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग उसको पकड़, हाँ बस 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 इधर रख लो, काफी लोगों ने कंप्लेन किया, अरे यार हमको तो पता ही नहीं चल रहा है मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है, अरे आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है विभोर, आप सिंपल सी एक चीज समझो, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे गिरा तो इधर भी था, हाँ। रेड कैंडल है, कोई बात नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो का मेजर पोजीशन अगर इधर बुक भी कर लेते और बाकी होल्ड करते, लेट्स से 50% बुक कर लिया, उसके बाद ऊपर गया, आप सोचते चलो कोई नहीं 50% का प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ये कर लिया, इधर जब ये फॉलो अप 2-3 कैंडल हो गए, ये क्या दिखा रहा है भैया, फॉलो अप कैंडल ऑलवेज सेज कि भाई साहब ट्रेंड शायद बदल रहा है, बदल शायद रहा। बदल रहा है, तो जो लोग रो रहे थे कि 11,600 पे निकलने का मौका मिल रहा था, अप्रॉक्स ले ले अपन, जो बोल रहे थे कि अरे यार 7,000-7,500 तक आ गया मार्केट, हमारे पास तो मौका ही नहीं मिला, बॉस आपको मौका दे दिया था हमारे मूविंग एवरेज ने, तो यहाँ पर तो अच्छा अगर यहाँ पर भी छोड़ो इस फॉलो अप यहाँ पर बहुत मौका था, बहुत मौके थे, इनफैक्ट विभोर मेरे में ना इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आई, हमें ना इसको एक कुछ भी एक ऐसे स्टॉक लेते हैं जो बहुत लोग जैसे जेट एयरवेज एक लेते हैं, ठीक है, अब विभोर ना मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे, आपको ध्यान है right. कुछ साल पहले, अब इसको ना थोड़ा पीछे लेके जाते हैं अपन, चलो पीछे चलो पीछे चलो, जो मेन मेरे को मैं इसलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि वो सवाल जब ये प्रॉपरली ट्रेड कर रहा था, बस 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 इसी के आसपास, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नहीं ये भी नहीं, मैंने इसको 450 पे कैसे ट्रैक किया था, हाँ बस 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 ये एरिया, तो क्या हो गया था, काफी लोगों ने बोला अरे यार न्यूज न्यूज इधर आनी शुरू हुई थी कि भाई
ये सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, दुनिया भर की चीजें इधर आने लग गई थी कि यार ना सैलरीज दे रहे ना कुछ दे रहे, तो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लोगों को ये हम पता कैसे करें? तो देखो न्यूज कैसे है वो तो पता नहीं चला, न्यूज ऑलवेज कम्स लेटर, एक्शन पहले हो जाता है। वी बिलीव चार्ट नोज एवरीथिंग, चार्ट नोज एवरीथिंग। चार्ट यहीं पर बता रहा था कि जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद इतने बार कंसोलिडेशन के बाद भी ये तोड़ नहीं पाया, उसके बाद ये मोटा कैंडल। तो जो लोग रो रहे थे, आप ये देखो काफी लोग रो रहे थे कि यार हमने 500 में लिया 600 में लिया, हम निकल ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए, और उसके बाद वो लोग रो ये रहे यहाँ पर भी है, शायद दोबारा भी रीटेस्ट किया फिर वापस गया। तो आप देखो जो लोग रो रहे थे कि यार 20-22 रुपए पे आ गया, हम लोग तो बर्बाद हो गए, तो बॉस आपको 500 चार्ट ने एक मौका दिया था। तो मेरा इसको ना इस तरह से आप समझो, हम बाय सेल की बात ही नहीं कर रहे अभी, वो तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बहुत लोग ने देखा होगा, तब एफएनओ में भी है शॉर्ट करो पैसा बनाओ, इंट्राडे पे शॉर्ट करो पैसा बनाओ, तो ठीक है वो आप कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट रिस्क के हिसाब से। बट आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट या कोई भी स्टॉक जब बहुत बुरी तरीके से गिरेगा वो आपको इंडिकेशन देता है। दिस इज नॉट अ प्योर बाय और सेल सिग्नल, दिस इज योर अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक एक सिंपल सा है, जब कोई स्मोक भी करता है ना ऑफिस में तो वो अलार्म बजने लग जाता है। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि आग से सब जल जाएगा, लेकिन वो ऑन कर रहा है, भैया धुआं आ रहा है कहीं से भग जाओ, तो ये धुआं वाला इंडिकेटर है जो आपको भगा रहा है। परफेक्ट, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने इस चीज को देखा जेट एयरवेज को। अब विभोर हम जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा। ठीक है, रिलायंस बिकॉज हम डिस्कस कर रहे थे डेली पे, तो हमको दिख गया कि ये नहीं लेना है। ठीक है, इंट्राडे क्या बता रहा है? इंट्राडे पे अभी हमको लेना चाहिए, आप बताओ। बट ये इंट्राडे में, मतलब इंट्राडे में तो हमें मूविंग एवरेज चेंज करना था ना, मैं बता रहा हूं जो भी हम डिस्कस कर, हमको भी तो थोड़ा बोल ले दो फिर। अच्छा चलो, बट इसमें एक चीज बताओ, क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और 15 मिनट का चार्ट लगाया? ठीक है, मूविंग एवरेज 200 के नीचे है बट 15 मिनट के चार्ट पे है। ठीक है, शुड आई स्टार्ट एग्जिटिंग? नो नो, ओके, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका मतलब नहीं, बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर ये मैटर करेगा। आज देखो क्या हुआ है, आज के दिन पे ये जो हमें कंसेप्ट बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, ओपन इज इक्वल टू लो व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन, ग्रीन कैंडल बना हुआ था गैप डाउन के बाद, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये रिकवर करेगा इसलिए ऊपर जा रहा था। ठीक है, बट नहीं किया, रेड कैंडल आया। अभी टेक्निकली अगर कोई पूछेगा मैंने सुबह बाय किया हुआ था, फिर वो बोलेगा अरे विभोर सर मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं? अरे बॉस ये आपको यही वाले कैंडल ने बोल दिया, इनसाइड बार में ब्रेकडाउन हो गया, आपको निकलना था। ठीक है, पर एक चीज मैं बताता हूँ, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन ईएमए एसएमए पे, क्योंकि दो मेजर है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि काफी लोगों के दिमाग में सवाल होता है ये ईएमए लेके एसएमए, बाय द वे जिनको नहीं पता, थोड़ा इधर अपन आ रहे हैं विभोर है ना, ताकि हम लोगों को पहले समझा दें क्रक्स, फिर उसके बाद बात करें। ठीक है, तो ये हम जब ईएमए की बात करते हैं, तो जब हम ईएमए की बात करते हैं तो ईएमए बेसिकली मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाला पार्ट ध्यान से सब देखिएगा, बिकॉज आपको एक बहुत बेसिक क्रक्स क्लियर हो जाएगा कब कौन सा यूज करना है और दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज आप समझिए, सिंपल मूविंग एवरेज हमने बता दिया कि भैया जो प्राइस हो रहे, सिर्फ प्राइस, अभी ध्यान से सुनिए, प्राइस के एवरेजेस का ये चीज निकल जा रहा है क्लोजर बेसिस पे। ठीक है, ईएमए रीसेंट, एकदम रीसेंट जो बायस्ड है, रीसेंटली हुआ है, मतलब अगर 15 मिनट देख रहा हूं, जस्ट अभी जो पिछला एक या दो कैंडल। ठीक है, रीसेंट के बेसिस पे ये हमको बता रहा है कि क्या हमारा मूविंग एवरेज कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी टाइम पीरियड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टाइम पीरियड पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो ये इंट्राडे स्कैल्पिंग, एग्जैक्टली, और ये हो गया आपका पोजिशनल और मिड टर्म। क्यों? बिकॉज सिंपल मूविंग एवरेज ज्यादा स्मूथ होता है। ये स्मूथ क्यों होगा? बिकॉज ऑब्वियसली आपके पूरा दिन का हलचल सारा कैलकुलेट होने के बाद जो वो एक क्लोजर आता है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहा है, तो ये ज्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, वहीं पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब हम चार्ट पे भी देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे ही भले ही हो, वही सेम स्टॉक हो, उसमें थोड़ा सा ऐसे जर्क आएंगे, जर्क आते हुए जाएगा। ओके, क्यों? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द रीसेंट एवरेज। ठीक है, तो एक नटशेल में अगर मैं किसी को बोलूं, तो बॉस अगर आप लॉन्गर फ्रेम में कर रहे हो ट्रेड्स इन्वेस्ट, तो सिंपल मूविंग एवरेज इज द की, एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर स्मॉलर। लेकिन अब दूसरा सवाल होगा, अरे भैया फिर इसका मतलब क्या हम ईएमए यूज ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जब मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। स्विंग के लिए तो टारगेट बता दिया है, राइट, स्विंग का तो हमारा हो गया है, इसका टारगेट बता दिया, ताकि दोनों वीडियो अपन बैक टू बैक ले आए। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यू कैन यूज इट फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, बट अकेले इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी नीड टू मिक्स अ फ्यू थिंग्स, कॉन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, जिसपे मल्टीपल सारे इंडिकेटर जब सिखाएंगे ना, उसपे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब मिक्स करके विद ईएमए करते हो, इट कुड बी आरएसआई, इट कुड बी एडीएक्स, जब आप ये करोगे ना, तब बनता असली माहौल मल्टीपल कंफर्म, मल्टीपल सिंपल मूविंग एवरेज। आप सिंपल सा समझो, आपके बड़े उसके लिए। अब ना इसको ना अपन एक बार चेक करते हैं यहाँ पे,
रिलायंस पे हमने अभी क्या डाला हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन 200 दिन का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां पर डालेंगे हम इंडिकेटर्स पे गए। तो अब हमने ना दोनों इसमें लगा दिए हैं मूविंग एवरेजेस। हमने देखो ब्लैक वाला क्या हमारा एक्सपोनेंशियल है, ब्लैक वाला है एक्सपोनेंशियल जो अभी अभी लगाया, अभी अभी लगाया हुआ है, ठीक है। और ब्लू वाला हमारा पहले से था सिंपल, सिंपल वाला, ठीक है। अब आप देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो रिलायंस आज के दिन पे जा रहा था इसने अब आप ध्यान से देखो, ये जो रिलायंस आज सुबह खुला भी ना, कितने प्यारे तरीके से इसने रिजेक्ट कहां पर करा, एक्सपोनेंशियल रीज़, और यहां से भी बाउंस लिया था, एक एग्जैक्ट यहां पर बाउंस लिया, एग्जैक्ट यहां पर बाउंस लिया, ये बड़ा सा कैंडल आया, इसने पूरा यहां पर, आप समझ रहे हो इस पॉइंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग विद एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड टू मेक प्रॉफिट इन इंट्राडे इज हायर इंट्राडे एज कंपेयर टू सिंपल। क्यों? सिंपल स्मूथ होता है, पूरा वेट कर रहा है, सिंपल इज धीरज रख के, हां भाई तो आराम से बन जा कैंडल, फिर मैं बनूंगा, ये सीधे बोलता है भैया ये हो गया, ये फटाक से ये बन गया अपना, ठीक है। तो सिंपल सा है, शॉर्ट टर्म पे अपन को ये करना है। आप देखो दोनों 200-200 है, लेकिन रिसेंटली क्विक एक्शन आपको दे रहा है एक्सपोनेंशियल इंट्राडे में, इंट्राडे, ठीक है। अब इसी को हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज हमने जब बात करी है तो इसी को रिलायंस पे ही ले लेते हैं अपन। डिस्क्लेमर, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टाइम फ्रेम चेंज डेली, डेली पे कर दिया, अब इसको अभी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें तो मेरा दूसरा एक काम भी कर दिया वैसे, बट वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमने क्या बात करी थी, ब्लैक वाला हमारा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट, ब्लू वाला था हमारा सिंपल, सिंपल मूविंग एवरेज। अब आप अगर नोटिस करोगे यहां पर, तो हमको यहां पर ऑलरेडी इसने एक ऑप्शन दे दिया था कि भैया देखो हम आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, पहले ध्यान से सुनो, हमारे ऊपर, पर इसने इसी के इर्द गिर्द ज्यादा टाइम बताया, ठीक है। बट प्रॉपर ब्रेकआउट इसको देखो, बार बार टेस्ट भले किया है, प्रॉपर ब्रेकआउट केम आफ्टर इट वेंट अबव द सिंपल मूविंग एवरेज, रीटेस्टेड, उसके बाद इसने रीटेस्ट नहीं किया और फिर वो ऊपर चले, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर मैं एक पेशेंस वाला बंदा हूं जो लंबे अवधि के लिए होल्ड करना चाहता है और उसको बस ये देखना है, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करिए स्टॉक का, क्या करें, सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ 200 और 100 दिन का लगा दो, दैट्स इट। अगर मैं मीडियम टर्म के लिए कर रहा हूं तो 50 डे का मूविंग एवरेज लगा दो, अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो मैं 20 डे का लगा दूंगा, स्कैल्प कर रहा हूं तो मैं 90 डे का लगा दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। हां नहीं, एक्सपोनेंशियल इंट्राडे पे, तो इंट्राडे पे आप सिंपल सा है, जब आप स्कैल्प कर रहे हो 5 मिनट्स पे कर रहे हो या 3 मिनट्स पे कर रहे हो, तो आप कौन सा मूविंग एवरेज लोगे, आप ईएमए और कौन सा नंबर का अप्रॉक्स, अभी हमने जो डिस्कस किया है दो, एक तो 9 और एक 20, बस ठीक है, बेस्ट। अब यहाँ पे ना एक चीज आप देखो, क्योंकि इधर से हमारा एक लीड मिल गया दोस्तों आपको सिखाने के लिए, क्योंकि हर चीज सिखा के जाएंगे हम। इधर आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, प्यारा सा न्यारा सा संगम हो रहा है ना, ठीक है। इसको टेक्निकली बोलते हैं क्रॉसओवर, क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब दो मूविंग एवरेजेस का मेल मिला, लेकिन दिस इज नॉट अ टिपिकल क्रॉसओवर, दो अलग अलग तरीके का मूविंग एवरेजेस, जैसे कि अलग अलग ड्यूरेशन, एक 20 डे एक 50 डे, एक 50 डे एक 100 डे, एक 100 डे एक 200 डे, उनका जब मिक्सचर जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर में मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूँ, दो इंपॉर्टेंट क्रॉसओवर्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए विपुल, कौन से होते हैं? पहला होता है गोल्डन क्रॉसओवर, नाम से बताओ गोल्डन अच्छा होगा कि बुरा होगा, गोल्डन गोल्ड इज गोल्ड, अच्छी तो अच्छा ही होता है, तो ये हमेशा याद रखो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर्स बोलते हैं। और एक डेथ क्रॉसओवर, डेथ, मर गए ओ भाई मर गए नेगेटिव, ठीक है। देखो दोनों में ना एक प्रेमाइस सेम रहता है, एक बड़ा मूविंग एवरेज होना चाहिए, एक छोटा मूविंग एवरेज। हमने जैसे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करी, तो अभी एग्जांपल सेक के लिए हम लेंगे एक 50 डे जो कि मीडियम हो गया और एक 200 डे जो कि क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। इन दोनों का जब मेल मिलाप होगा, जब ये क्रॉसिंग होगी, जब भी होगी, तब दोनों में से कोई एक चीज बनेगी, क्रॉस बनेगा, गोल्डन बनेगा या फिर डेथ बनेगा, और इसी बेसिस पे जो अभी हम चार्ट पे देखने वाले हैं, जब स्टॉक इसके नीचे जाएगा, डेथ क्रॉसओवर के नीचे जो हम चार्ट पे भी देखेंगे, वो एक नेगेटिव साइन है, और जब इसके ऊपर जाएगा जो गोल्डन क्रॉसओवर पे, वो एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा चार्ट पे समझते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि यार ये कैसे होगा। तो अब हमको एक सिंपल सा हम यहाँ पर मूविंग एवरेज बदलेंगे, अब सिंपल मूविंग एवरेज पे हम करते हैं। अच्छा बाय द वे, गोल्डन क्रॉसओवर और हमारा ये दूसरा वाला डेथ क्रॉसओवर आप एसएमए ईएमए दोनों में कर सकते हैं, दोनों में चलेगा, लेकिन हम एक लॉन्ग फॉर्म पे करेंगे तो हम अभी एसएमए यूज करेंगे, ठीक है। तो 200 डे तो हमने लिया हुआ है, एक 50 डे का हम कर लेते हैं इसको चेंज, ठीक है, ठीक है। तो अब विभोर अपन ने क्या कर दिया, अपन ने दो अलग अलग ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज लगा दी है, ठीक है। व्हाट आर दोस टू डिफरेंट मूविंग एवरेजेस, ये हमारे पास जो दो मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन का और एक है सिंपल मूविंग 50 50 मूविंग एवरेज सिंपल,
200. अच्छा एक सेकंड, लगेंगे तो दोनों सिंपल लगेंगे, अगर दोनों एक्सपोनेंशियल है तो दोनों एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो एक सिंपल सी चीज है कि यहां पर आप देखो इन दोनों का मेल मिलाप हुआ था, राइट, थोड़ा पीछे भी हम जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये जब भी मेल मिलाप हुआ और इसके ऊपर अगर स्टॉक टिक रहा है तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने जो ब्लैक वाला है वो हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हुआ, ओके, ये जो ब्लैक है दिस इज 50 शॉर्ट टर्म, और ये हो गया लॉन्ग टर्म ब्लू वन, ब्लू वाला मतलब शॉर्ट या मीडियम बोल दो इसको, लेकिन दोनों का कंपैरिजन में हम शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग। तो जब भी शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, शॉर्ट वाला लॉन्ग को क्रॉस करके जा रहा है, तो ये हम बोलेंगे भैया अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन मतलब गोल्डन डेज, गोल्डन मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर इज अ साइन फॉर बुलिशनेस, ओके। तो यहां से आप देखो बुलिशनेस बनी हुई है, बाय साइड जा सकते, बाय साइड जा सकते, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पीछे देखते हैं कि भैया बेयरिश भी तो आया होगा कहीं पे, ऐसा थोड़ी है कि अच्छे दिन ही हमेशा, बस 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 बहुत पास में इधर ही आ गया, क्योंकि मेरे को इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताने हैं। तो अब हम इधर आ गए यहाँ पे, यहाँ पर ये मोटा मोटी इस तरफ पे बना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, फिर वो ऊपर गया, लेकिन ये अच्छे से स्टॉक चला नहीं फॉर अ वेरी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद भी ये नीचे गया है, देख रहे हैं आप, थोड़ा इसको अपन वो कर लेते हैं, ये देखो ये नीचे ही गया है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लिया, आप देख लो, ठीक है, इसके बाद भी ये नीचे तक गया है। तो बेसिकली इन्वेस्टर को बोल दिया था मत खरीदो, लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज होता है क्रॉसओवर का, ओके, डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको इंडिकेशन ना लेट देता है, ओहो, ये वेट करता है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारा मूवमेंट मिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप नॉर्मल एक सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस बोलते हैं भैया मेरे को शॉर्ट टर्म करना है, मैंने इधर देख लिया कि यार ये तो रेजिस्ट कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को, देखो वहीं पर रेजिस्ट करके यहीं पर इसने रेड कैंडल बनाया, प्लस आपने देख लिया कि भैया 200 के नीचे आ गया, तो एक एक्टिव ट्रेडर यहीं पे या यहीं पर अलार्म लेके या शॉर्ट करना तो शॉर्ट कर सकता था विद अ स्टॉप लॉस अराउंड दिस, ठीक है, लेकिन बिकॉज वो क्रॉसओवर के लिए बैठा तो ये क्रॉसओवर करीब इधर तक आया, तो मतलब ये वाला मूव मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया। एंड सेम गोज विद दिस थिंग, यहां पर देखो, यहां पर ये आया फिर फॉल्स ब्रेकआउट, फिर आया फिर फॉल्स, ये वाला एरिया फॉलो अप नहीं मिला, क्योंकि फॉलो अप नहीं मिल रहा था, फिर यहां पर हो गया, लेकिन पॉइंट है कि इस चीज पे लेकिन ये फायदेमंद बन गई, बिल्कुल डॉट पे आ गया। तो पॉइंट क्या है इसको आप समझते हैं, पॉइंट इसका सिंपल सा है कि जब क्रॉसओवर्स आप देख रहे हैं और बहुत टाइम तक मार्केट साइडवेज है, उसके बाद जब ये मूवमेंट दे रहा है तो आपके लिए वो ठीक है, ओके, क्योंकि साइडवेज के बाद मतलब भी मैं बोल सकता हूँ मेरी नाव धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चला, अब इसको क्लियर पता चल गया किधर जाना है, ऊपर जाने नीचे, हो सकता है वो इधर भी जाता तो वो डेथ क्रॉसओवर हो जाता कि मर गया, ये हो गया गोल्डन, ठीक है। तो साइडवेज, तो ये एक डीमेरिट है, हमने स्टार्टिंग बोला कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो नॉर्मल मूविंग एवरेज करने पे साइडवेज जब मार्केट जाता है तो आपको ये बहुत मिलते हैं, ठीक है। देखो अपन सब कुछ सिखाना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल से, ताकि वो नहीं लगे कि भाई अब कल को कोई बैठ गया बस मूविंग एवरेज लगाया ऊपर गया तो बाय क्या नीचे, तो ये एक सिंपल है। और बाय द वे अगर साइडवेज मार्केट भी कैसे निकाले तो वो 15,000 लाइक के बाद अपन उसमें इंडिकेट क्योंकि वो इंडिकेटर से ही होगा, एक इंडिकेटर है जिससे वो सारी चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया क्रॉसओवर, समझ लिया गोल्डन क्रॉसओवर, समझ लिया ये, समझ लिया सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ। अब है ना एक हैक अपन डिस्कस कर लें, ठीक है, आपके ऑडियंस जो टिके हुए हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, विभोर आप अभी एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको क्या लगता है ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स, ध्यान से सुनिए, कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स आपको लगता है डिसेंट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा इंडेक्स और परफॉर्म कर सकता है, मतलब सेक्टर या इंडेक्स आप बोलिए, निफ्टी आईटी, आईटी, ठीक है, तो हम इधर निफ्टी आईटी लगाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा निफ्टी आईटी, ठीक है, विभोर जी को लगता है निफ्टी आईटी, अब इसमें हम ना बहुत सिंपल सा है हम समझेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ निफ्टी आईटी कब चलेगा, जब निफ्टी आईटी के जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो चलेंगे, वो चलेंगे राइट, हैवी वेट वाले, राइट, ठीक है। निफ्टी आईटी अभी तक हमने जितना सीखा है, आप लोगों को भी मन में आंसर आ जाना चाहिए अभी तक मेरे क्वेश्चन सुनते ही, अगर आपने ध्यान से सुना है, विभोर बताएंगे निफ्टी आईटी का ट्रेंड, क्योंकि हम जो 20, 50, 200 कर रहे हैं उससे हम ट्रेंड भी निकालते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म ट्रेंड क्योंकि हमने 50 डे लिया हुआ है, तो मीडियम ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि साइडवेज दिख रहा है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये फर्स्ट बाउंस, बिल्कुल, सेकंड बाउंस, बिल्कुल, थर्ड बाउंस, और बहुत मेजर डिफरेंस है तो मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक डिसेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट, ठीक है। तो विभोर ने पहली चीज, बहुत लोग क्या करते हैं सीधे स्टॉक पे कूद जाते हैं, नहीं, पहले आप सेक्टर पे कूदो, तो विभोर ने बोला यार सेक्टर तो पॉजिटिव है, अब विभोर लगाएगा टीसीएस, तो विभोर अब अपने टीसीएस का चार्ट खोल लिया, टीसीएस इज अ मेजर कंस्ट्रूमेंट। अच्छा आप एक चीज समझिए, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इनकी न्यूज बेस भी कुछ चीजें होती है जिसके कारण ऊपर नीचे होगा, राइट। अभी इसका ट्रेंड क्या चल रहा है आप बताओ, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है मीडियम टर्म में, मीडियम टर्म में, क्योंकि हमने 50 लगाया, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है यहाँ ब्रेकआउट दिया, करेक्ट, ये लीजिए मेरे हिसाब से यहाँ मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, ठीक है,
बड़ा कैंडल था, क्योंकि एक नॉर्मल जो लोग मार्केट में आते हैं ना, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, बड़ी रेड कैंडल बन गई, उनके लिए वो प्राइस है। अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, फॉलो अप मिला, वापस से बाउंस लिया नंबर वन। फिर उसके बाद मैं अगर वापस यहां देख रहा हूं, बाउंस बाउंस बाउंस, ब्रेकडाउन बट फॉलो अप नहीं है इनसाइड बार, जो हम लोग पहले स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर चुके, फिर वापस से बाउंस। तो मुझे जो लग रहा है यहां से यहां तक प्राइस में और मूविंग एवरेज में मेजर फर्क है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। परफेक्ट। और हमने आईटी सेक्टर इंडेक्स क्या देखा था अभी थोड़े देर पहले, स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग। तो ये सिंपल सा हैक है, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी जाना है, आप सबसे पहले देख लो उस सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है। राइट। बहुत लोगों ने मिस्टेक क्या करी थी, जब पीएनबी घोटाला आया था उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स उस समय पे गिर रहे थे। उस समय पे अगर कोई पब्लिक सेक्टर इंडेक्स भी देख लेता तो उसको कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं। राइट। बट जबरदस्ती आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ रहे थे, इसी चक्कर में नुकसान हो रहा है, सस्ता मिल रहा है, ले लो, और वहीं पर गलती है। तो ये एक सिंपल सा हैक है लोगों के लिए कि पहले सेक्टर पे लगा दो आप अपना मूविंग एवरेज व्यू के हिसाब से। अब मान लो मेरे को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाना, तो कौन सा मूविंग एवरेज लगाता यहाँ पे? 200। परफेक्ट। और अगर मेरे को इंट्राडे करना था तो कौन सा लगाता? पहले तो या तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, करेक्ट, 3 मिनट या जिस भी टाइम फ्रेम पर है, तो 9 और 20, करेक्ट, बोथ आर फाइन। बस इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर उस स्पेसिफिक स्टॉक में कोई बहुत बड़ा न्यूज है तो यार वो तो थोड़ा न्यूज के बेसिस वोलेटिलिटी आएगी, ठीक है। लेकिन इन जनरल तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हैक दे देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को मेटल में हिंडाल्को लग रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो पॉजिटिव जा सकता है, मेरे को पोजीशन अगर बनानी है तो मैं सेक्टर पे जाके देखता हूँ, साथ में एक आध और स्टॉक देख लेता हूँ। अच्छा, जेएसडब्ल्यू भी पॉजिटिव दिख रहा है, जिंदल भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो मेरा कॉन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसके अलावा विभोर, जो मैंने बात करी कि हम मल्टीपल थोड़े बहुत और इंडिकेटर्स लगाए कर सकते हैं जिसके लिए समझ जाएंगे लोग, राइट, तो वो करके भी किया जा सकता है। तो विभोर, आज के दिन पे हमने मूविंग एवरेज के लिए जितना चाहिए उत्तर देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें ये भी बताओ और बताओ, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बताओ, मेरा ये सिंपल सा मानना, धीरे धीरे करके हम सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि स्विंग का भी वीडियो आना है। अब मेरे को पक्के से बताया, आपके लोग इतना प्यार करते हैं कि हमको वो भी करना पड़ेगा। नहीं, बट दूसरी चीज ये भी है ना, मैं ये भी दे दूं, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जैसे होता है ना, आप जब किसी क्लास में भी जाते हो, पहले एक चैप्टर पढ़ते हो, उसका टेस्ट होता है, फिर चैप्टर देते हो, उसका टेस्ट होता है, और ये जो मार्केट है ना, वो रियल टेस्ट लेगा। एग्जैक्टली, एट द एंड देखो मार्केट टेस्ट लेगा, चाहे मैं सिखाऊं विभोर से का, राइट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज अगर आप ये देख के बस बैठ गए, नहीं, नोट्स बनाए हैं, वापस देखे इसको, रिपीट पे देखे, उसके बाद जाके आपने अपने चार्ट्स लगाए हैं, अपने डाउट्स लिखे हैं नीचे, और छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड मारा है। मैं ये नहीं कह रहा टीसीएस में एक लॉट ले लो, एक शेयर, दो शेयर, पांच शेयर ले लो, आप एक क्वांटिटी लो, दैट्स इट। तो इस हिसाब से आज हमने मूविंग एवरेज को डिकोड कर दिया है। डन डन सर, मजा तो बहुत आया। सबसे बेस्ट पार्ट था ईएमए, क्योंकि लोगों को ना एक प्रॉब्लम आती है यार, ईएमए 20 लगाऊं, एसएमए 20 लगाऊं, करेक्ट, एसएमए 50 लगाऊं, 100 लगाऊं, 200 लगाऊं, बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा ये था। अब नेक्स्ट क्लास में एक वेटेड मूविंग एवरेज रह गया, वो सीखने वाले हैं। मेजर इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, सारे सिखा देंगे, कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। तो जो जो इंडिकेटर्स आप चाहते हो हम लोग कवर करें अपनी नेक्स्ट मास्टर क्लास ऑफ इंडिकेटर्स में, कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार 50 इंडिकेटर है, 50 में से कौन से 5 बेस्ट है, और उन 5 में से भी मेरे लिए कौन से बेस्ट है, तो डेफिनेटली वो एक 1.5-2.5 घंटे की मास्टर क्लास होगी। हो सकता है उससे ज्यादा, यार 15,000 जल्दी कर देते हैं आपके लोग वैसे, बट ठीक है। अगर 15,000 भी आए तो डेफिनेटली, जैसे हमने लास्ट प्रॉमिस रखा अपना, तो ये भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, एंड थैंक्स टू आर मेंबर्स एज वेल फॉर वॉचिंग दिस। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, लॉट्स ऑफ लव।